गुरुपथ, आलख पथ, वो आलख मैं होता है इसीलिए तो पथ चलना, वही आलख देख के ही तो चलते हैं, जो चलते हैं उनकी वो साधना पथ में रहता है, चलना साधन पथ। और ये साधन पथ पे चलते हुए जो आलक की दिशा देख के चल रहे हो, तुम्हारे गुरु की निर्देश सुन के चलना, यानी दिशा पकड़ के चलना, जब वो दिशा वो आलक की वो रोशनी की तुम कभी अवमानना ना करो, सिर्फ उसी की ही फॉलो करोगे और बाकी अंधेरा कहीं पर तुम नहीं जाओगे, दूसरी कहीं पे जागतिक आलक या कुछ भी दिखे तो वहाँ पर तुम भटकोगे नहीं, सिर्फ यही रोशनी आला वाले पथ को तुम देखते हुए चलोगे। वो साधक और भी डीप होता है उनकी साधना की स्तर, फिर चलने की गति भी ज़्यादा होती है, यानी स्पीड बढ़ जाती है। ये आलक पथ के साथ ये शब्द आलक, ALAK, और एक मामूली सी फर्क है आलख, ALAKH, बड़ा सुंदर शब्द है, दोनों में तालमेल है। अगर मन भ्रमित ना होके आलक पथ में ही चलते रहे तो जो दिशा की ओर वो चलते हैं उसकी नाम अलख है, अलख अलक्ष्य में रहता है, जिसकी वर्णन नहीं होती, परम ईश्वर, पर ब्रह्म, जिसकी कोई वर्णन नहीं होती, जो अलक्ष्य में रहते हैं वो है अलख। तो ये आलक पथ चलना क्यों है? क्योंकि अलक्ष्य में जो है इसलिए तुम हो, वो अलक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उसको पहचानने लिए, उसको देखने के लिए। तो आलक पथ वो आलक तक ही ले चलते हैं। गुरुदेह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो वाणी निकालते हैं, जो कहते हैं, वो सारे शब्द परब्रह्म ही है, शब्द ब्रह्म है, लेकिन तुम उसकी यूज करना सीखा नहीं, तुम्हारी मन चंचल है, मोहयुक्त है, मायावध्य है, डरे हुए है, स्वार्थी है, अहंकार के अधीन है, इसलिए तुम्हारी मन से जो शब्द हमेशा रोज निकालते हैं वो बहुत सामान्य है, अति साधारण है। इसलिए गुरु जो कहते हैं वो सुनना चाहिए, पहले तो जुबान बंद करो, क्योंकि जो तुम कुछ भी निकालते रहते हो इसमें तुम शब्द को, वो ईश्वरीय शब्द को यूज नहीं कर पाते, रोज की चंचल मन की यूज कर लेते हो, इसमें तुम बहुत दूर चले जाते हो। रोज कहते हैं ना, गुरु बिना नहीं होता, बस इसलिए नहीं होता, रोज तुम्हारी मन भटक जाएगा, रोज उसको ले आना पड़ता है, ये कोई जीते जी जिंदा शरीर मनी तो कर सकता है? तो ईश्वर जब अंग में नहीं है, ईश्वर जब देह में प्रवाहित नहीं होता, तब वो जो परम ईश्वर है, वो जो अलक्ष्य में रहते हैं, जो अवस्था है, वो तुम्हारे साथ बात कैसे करेंगे? तुम्हारी मन की जो एक चेतनता है, एक चेतन मन है, जो साधारण नहीं है,
जो चैतन्य ग्रहण करते हैं, चैतन्यमय होता भी है। ये जो सत मन है, ये जो श्रद्धालु मन है, ये जो विश्वासी मन है, ये जो रोज रोज गिर पड़ता है, उसको उठा के अपनी जगह दिखाएगा कौन, ले चलेगा कौन? ले चलना तभी संभव है अगर तुम हाथ पकड़ने दिया, अगर तुम बात सुना। यहाँ तो फिजिकली हाथ पकड़ना नहीं रहता है, इसलिए माध्यम है वाणी।